और ये जो हेल्पिंग हैंड्स, आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान हुआ है और पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तमाम जिलों में एक जनसैलाब खुशियों का उमड़ के सड़कों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचूज के मुजस्मे के पास बड़ी धूमधाम से ऐसे लोग मना रहे हैं जैसे दिवाली हो, ईद हो, गुरपुर्ब हो, बैसाखी हो। तमाम मजहबों के लोग ढोल की थाप के ऊपर नाच रहे हैं और इस मौके को पूरा लुत्फ लेते हुए मैंने भी आवाम के साथ पुरजोर अपनी ख्वाहिश को पूरा किया और खूब नाचे हैं और बड़ी धूमधाम से। हमें इस बात का अफसोस है कि लद्दाख में इस छुट्टी का ऐलान नहीं हुआ और लद्दाख भी चाहता है रियासत का दर्जा वापिस, और इसीलिए मिशन स्टेटहुड का ये रोड मैप है कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करके पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर के नए हिस्से में शामिल करना चाहते हैं। और आज महाराजा जी की ये जो जन्मदिन का ऐलान हुआ है, छुट्टी की घोषणा हुई है, अब हम ये चाहेंगे, अभी ये पहला कदम है जीत की ओर अवाम का, जम्मू कश्मीर की अवाम का, हर मजहब के लोगों का, वो ये विरासत हर मजहब के लोगों की है। महाराजा जी सभी को ये रियासत दे करके गए थे और आज ये पहला कदम है जीत का और अभी जंग बाकी है। हमें अभी महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी के मौके के ऊपर अपना स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370-35A और रियासत का दर्जा, वो रियासत हमें चाहिए जिसका विलय भारत के साथ, जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ विलय किया था। और आज बड़े अफसोस की बात है कि बाहर के वोटरों को जम्मू कश्मीर में ला करके डोगरा रियासत, कश्मीरी रियासत, गुज्जर बकरवालों की पहाड़ियों की रियासत का डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे और जल्द ही हम दरबार मूव भी शुरू करवाएंगे। आज इस मौके के ऊपर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, धूमधाम से नाचिए गाइए। और मैंने आपको अपनी गाने वाली, नाचने वाली और जश्न बनाने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों पत्रकार मित्रों के पास हैं और जो रह गए हैं उनके लिए ये मैं पैगाम उनके माध्यम से मुबारकबाद का पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भेजेंगे और पूरा रियासत का दर्जा जल्द हम वापस लेने वाले हैं।